मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का यह फैसला इतना ज्यादा हैरानी भरा था कि 140 करोड़ भारतीयों के पैरों तले जमीन के खिसक गई रोहित शर्मा की काबिलियत पर शक किया गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीता अंबानी के फैसले को सुनने के बाद सचिन तेंदुलकर का जमकर गुस्सा फूटा है और उन्होंने गुस्से में एक ऐसा हैरानी भरा फैसला लिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली और अब अचानक उसके बाद रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तानी से हटा दिया गया। उनकी जगह हार्दिक पांड्या टीम का कप्तान बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच उनके इस फैसले से काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जो कि खुद भी मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे। आपको बता देंगे, सचिन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दिया है। अब वह मुंबई इंडियंस के खेमे में टीम को गाइड करते हुए नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा काफी ज्यादा अनुभवी थे और उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए जो कुछ भी किया उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन नीता अंबानी ने रोहित के अनुभव और उनकी महानता को नजरअंदाज करते हुए उनकी बेइज्जती करी है। हार्दिक को कप्तान बनाया गया, रोहित से ज्यादा बड़ा दर्जा हार्दिक को दिया गया। सचिन ने कहा कि मैं रोहित शर्मा का यह अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अब मैं मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा नहीं हूं। मैं यही चाहूंगा कि रोहित किसी भी टीम में खेले, अपने ओहदे के अनुसार उन्हें मान सम्मान मिले। उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाया, लेकिन फाइनल मुकाबले में सिर्फ युवा खिलाड़ियों के वजह से हारे। लेकिन फिर भी उनकी काबिलियत पर शक किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से सचिन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दिया है और रोहित के समर्थन में जो कुछ भी कहा उसने सभी का दिल जीत लिया। वैसे आप सभी सचिन की संभावना को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आईपीएल 2024 को लेकर मुंबई इंडियंस की टीम ने सबसे बड़ा उलट फिर हार्दिक पांड्या को अपने टीम में शामिल करने के बाद कप्तान बनाकर कर दिया है। रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीन ली गई है। लेकिन इसके बाद अब खबरें तो यह भी आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रोहित शर्मा खेलते नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच खुद मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी ने रोहित को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ रुपए की रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया और उसके बाद अचानक रोहित शर्मा को कप्तानी से भी हटा दिया गया। हार्दिक पांड्या को उन्होंने कप्तान बनाया। इसके बाद रोहित शर्मा काफी ज्यादा दुख भरे समय से गुजर रहे हैं। पहले वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद अब यह झटका रोहित के साथ उनके करोड़ों फैंस को लगा है। लेकिन आपको बता दें, रोहित शर्मा का रुझान चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इंस्टाग्राम पर खुद रोहित के समर्थन में कुछ कमेंट्स किए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी रितिका सजदे ने चेन्नई सुपर किंग्स के रिप्लाई में येलो हार्ट का इमोजी सेंड किया था, जिसके बाद खबरें काफी ज्यादा तूल पकड़ गई कि रोहित शर्मा फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स में जाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है धोनी का यह आखिरी आईपीएल हो और उसके बाद जब वह आईपीएल से संन्यास दे देंगे तो रोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रोहित के इस फैसले को देखने के बाद खुद मुकेश अंबानी ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अपने आप में रोहित शर्मा काफी बड़े खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम को 5 बार चैंपियन बनाया। भले ही हमने हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया है, लेकिन रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस की टीम में वही रिस्पेक्ट रहेगी जो पहले थी। उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन अचानक से वह मुंबई इंडियंस का साथ अगर छोड़ते हैं तो यह हमारे लिए काफी ज्यादा दुखद होगा। मुंबई इंडियंस की टीम हमारे लिए एक परिवार की तरह है और हम किसी भी स्थिति में अपने महान खिलाड़ी को दूसरे टीम में जाने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमें रोहित को और भी ज्यादा बढ़ाकर पैसे क्यों न देने पड़े। इस तरह से मुकेश अंबानी ने अपनी बात कही। लेकिन सभी को क्या लगता है, रोहित को क्या चेन्नई से खेलना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आईपीएल 2024 की शुरू होने से पहले ही जैसे ही खबर सामने आई कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की टीम ने कप्तानी के पद से हटा दिया है और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है,
उसको देखने के बाद ना सिर्फ रोहित की ये बेइज्जती हुई, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा बनने से पहले हार्दिक पांड्या पूरी तरह से जाल बन चुके थे रोहित को कप्तानी से हटाने के लिए, और उसके बाद ही महेंद्र सिंह धोनी ने अब पांड्या को फटकार लगाई है। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में, लेकिन अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्रिकेट में हार्दिक पांड्या का सफर ऐसा रहा है कि कुछ ना कुछ वैसे काम करते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल होना पड़ा। कॉफी विद करण में कुछ अपमानजनक शब्द उन्होंने बोले थे, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा हेट मिली, और उसके बाद वह विदेशी खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देने में तो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते, लेकिन अपने खिलाड़ियों को जब शतक या अर्धशतक करवाना हो तो वह कभी भी उनका समर्थन नहीं करते, बल्कि खुद छक्का या चौका लगाकर उनका सपना अधूरा छुड़वा देते हैं। लेकिन अब गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा होने के बावजूद भी उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम को यह ऑफर रखा था कि वह मुंबई इंडियन की टीम में एक ही शर्त पर आएंगे कि उन्हें कप्तान बनाया जाएगा। मुंबई इंडियंस ने उनकी बात को स्वीकार किया और रोहित शर्मा को अचानक कप्तानी से हटा दिया। हालांकि इस बीच मुंबई इंडियंस की टीम का डाउनफॉल तो शुरू हो चुका है, इंस्टाग्राम पर करीब 1 मिलियन फॉलोअर्स उनके कम हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीच महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, हार्दिक पांड्या कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं हो सकते, हम आज भी अपने अनुभव भी और सीनियर खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बावजूद उसके हार्दिक पांड्या ने रोहित के साथ जो किया वह कहीं ना कहीं बेहद गलत है। रोहित ने 5 बार मुंबई इंडियंस की टीम को चैंपियन बनाया है। मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट तो उनका यह एहसान भूल गया, लेकिन कम से कम पांड्या को यह शर्त तो उनके सामने नहीं रखनी चाहिए थी। सीनियर खिलाड़ी होने के साथ उनका मान सम्मान करना पांड्या की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने उनके साथ गद्दारी करी। रोहित अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ने तो बात अलग होती, लेकिन अब उनसे कप्तानी छीन ली गई है, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा अपमानित होना पड़ेगा, और कैसा लगेगा उन्हें उसे टीम में खेलते हुए, यह काफी ज्यादा दुखद है। पांड्या ने यह ठीक नहीं किया, इस तरह से धोनी ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी पांड्या की इतनी हरकत पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले ही वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह और आवेश खान ने अपनी आक्रामक गेंदबाजी के चलते बड़ी ही आसानी से पहले मुकाबले में अफ्रीका को धूल चटा दी, जिसको देखने के बाद डेल स्टेन का बड़ा बयान सामने आया है। तो चलिए बताते हैं क्या बोले डेल स्टेन। लेकिन अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग के मैदान पर खेले गए इस पहले वनडे मुकाबले में अफ्रीका ने टॉस को जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। भारतीय गेंदबाज तो अलग ही मंशा के साथ मैदान पर उतरे थे, भले ही यह टीम के युवा खिलाड़ी थे, लेकिन टैलेंट इनमें अनुभवी से भी ज्यादा दिखाई दिया। रीजा हेंड्रिक्स को अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोलना दिया और 0 के स्कोर पर बोर्ड मारकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। अर्शदीप का यह तूफान यही नहीं रुका, उन्होंने वंडर डू सन को भी इस मुकाबले में खाता नहीं